हेलो गाइस, आप देख रहे हैं मधुबाला की रसोई। आज हम बनाएंगे मटर पनीर। मटर पनीर बहुत ही टेस्टी बना है। एक कप हरे मटर लिए हैं, 250 ग्राम हमने पनीर और दो टमाटर और एक हरे मिर्च लिए हैं। तेल आवश्यकता अनुसार लिया है, 1/2 टीस्पून हमने जीरा लिया है, 1 पिंच हींग, अदरक ग्रेट कर लिया है, 1/2 टीस्पून हमने हल्दी ली है, 1/4 लाल मिर्च और जीरा, 1 टीस्पून और स्वाद अनुसार नमक लिया है। तीन चार टीस्पून ये हरा धनिया काट के लिया है, गरम मसाला लिया है और ये फ्रेश क्रीम ली है। कढ़ाई गर्म हो गई है, अब इसमें ऑयल डाल देंगे। पनीर को गोल्डन ब्राउन होने तक तलेंगे। पनीर गोल्डन ब्राउन हो गया, अब इसे प्लेट में निकाल लेंगे। उसी तेल में ये हरे मटर भी डाल देंगे और ये कलछी से अच्छे से घुमा देंगे। 2-3 मिनट के लिए ढक के पकाएंगे। 2-3 मिनट के बाद अब चेक करेंगे। मटर अच्छे से गल गए हैं, अब इसे भी वापस प्लेट में निकाल देंगे। उसी तेल में जीरा डाल देंगे, हींग डाल देंगे, अब हल्दी, लाल मिर्च, जीरा पाउडर और ये ग्रेट किया हुआ अदरक। अब इसे अच्छे से भून लेंगे। मसाला अच्छे से भुन गया है, अब इसमें ये वो पेस्ट डाल देंगे। तेल अलग हो जाए तब तक मसाला भुनेंगे। तेल अलग हो गया मसाले से, अब एक कटोरी पानी डाल देंगे और इसे अच्छे से चला देंगे। अब इसमें थोड़ा सा मसाला और नमक डाल देंगे, साथ में हरा धनिया डाल के मिक्स कर देंगे। अब फ्राई किए हुए पनीर डाल देंगे, साथ में ये हरे मटर भी डाल देंगे। और इसे अच्छे से 5-10 मिनट के लिए इसे पका लिया है। मटर पनीर की सब्जी बनके तैयार है। अब इसे अलग से बाउल में निकाल देंगे। हरा धनिया से इसे सजा देंगे।